हमारी जिंदगी में मिठास काफी मायने रखती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मिठास कभी कभी जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देती है और बना देती है हमें मीठे का बीमार, जिसे आम भाषा में हम शुगर या डायबिटीज कहते हैं। इसमें इंसान के शरीर में शुगर का लेवल एक तय सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर बढ़े ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाता, और ये ग्लूकोज ब्लड में मिलकर पूरे शरीर के कई अंगों को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए वक्त रहते इस बीमारी से बचना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं और हर तीसरा इंसान डायबिटीज का शिकार है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 7.4 करोड़ लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। पिछले साल दुनिया भर में डायबिटीज से करीब 67 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी, और आज भी इतने अध्ययन और शोध के बाद इस बीमारी का पूर्ण इलाज नहीं मिल पाया है। अब जरा नजर डालते हैं इस बीमारी के इतिहास के बारे में। डायबिटीज का पहला मामला इजिप्ट में 1550 बीसी में पाया गया था। पहली बार यहीं से बीमारी के रूप में इसे पहचाना गया और बार बार पेशाब जाने के लक्षण को इसका पहला लक्षण बताया गया। लेकिन शुगर लेवल को चेक करने के तरीके की खोज सबसे पहले भारत में हुई। ब्लड शुगर की जांच करने का सबसे पहला तरीका चींटियों की मदद से खोजा गया था। इंसान के यूरिन के आसपास अगर ढेर सारी चींटियां इकट्ठा हो जाती थीं, तो माना जाता था कि उस व्यक्ति के शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। इस बीमारी को डायबिटीज नाम देने का श्रेय ग्रीक फिजिशियन अपोलोनियस ऑफ मेम्फिस को जाता है। उन्होंने इसके सबसे कॉमन लक्षणों के नाम पर इसे डायबिटीज का नाम दिया। इस बीमारी के ज्यादातर मरीजों को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता था, इसलिए इसका नाम डायबिटीज रखा गया। अब जानिए इस बीमारी के होने की वजह क्या है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज से मिलती है। अब ये ग्लूकोज कैसे बनता है? हमारा शरीर हमारे द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाई और पी गई चीजों को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है, और ये ग्लूकोज हमारे खून में मिलकर एक फ्यूल की तरह काम करता है। इसके लिए हमें एक हार्मोन की जरूरत होती है, जिसे इंसुलिन कहते हैं। ये हार्मोन हमारी पैंक्रियाज में बनता है। ये इंसुलिन ही है जो रक्त में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। अगर पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती है तो ग्लूकोज ऊर्जा में तब्दील नहीं होगा और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी अवस्था को मेडिकल टर्म में डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। अब डायबिटीज के प्रकारों के बारे में जानिए। डायबिटीज दो तरह की होती है, पहली टाइप 1 और दूसरी टाइप 2। अब आइए जानते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। टाइप 1 डायबिटीज अनुवांशिक तौर पर होती है। ये ऑटोइम्यून डिजीज है। जब शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तब टाइप 1 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों और किशोरों में होने वाली डायबिटीज की बीमारी है। इस प्रकार के डायबिटीज में पैंक्रियास के बीटा सेल्स पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और इस तरह इंसुलिन का बनना संभव नहीं होता। टाइप 1 डायबिटीज से ग्रस्त लोगों को रोजाना इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन लेना होता है। अब जानिए टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज हमारी गलत जीवन शैली की देन है। अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होने लगे और शरीर उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज टाइप 2 की शिकायत शुरू होती है। मोटापा, हाइपरटेंशन, नींद की कमी और खराब लाइफस्टाइल होने के कारण से टाइप 2 डायबिटीज होने के कारण है। चूंकि टाइप 2 के लिए खराब जीवन शैली जिम्मेदार है, इसलिए ये कभी भी हो सकती है, पर अमूमन ये व्यस्त लोगों में होती है। सही डाइट और एक्सरसाइज की मदद से टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। कुछ स्थिति में इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए डायबिटीज के मरीज को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो कब और क्या खा रहे हैं, जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहे। इसके लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं और नियमित एक्सरसाइज से इस बीमारी को पूर्णतः कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसलिए हमें आज जरूरत है अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करने की, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें और एक स्वस्थ और सेहतमंद जिंदगी जी सकें।
क्योंकि अब हमारे पास है इसका बेहतरीन इलाज। डायबिटीज की अब तक की सबसे असरकारक औषधि डायबाथेटिक अब भारत के हर कोने में डायबिटीज के पेशेंट्स को घर पर ही उपलब्ध हो रही है। डायबाथेटिक को डायबिटीज के खिलाफ आज के समय की सबसे आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी औषधि माना जा रहा है।